वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ऐसे तीन होना चाहिए, है ना, शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है और लॉन्ग टर्म गोल्स में, और है ना, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट, अभी यह बहुत महत्व का है, यह ख्याल रखे, देखो, इफ वी आर मीटिंग 5 years फ्रॉम नाउ, हम यदि आज से 5 साल बाद मिलते हैं, व्हाट वुड हैपन इन योर लाइफ, कौन से लाइफ में, पर्सनल, फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल लाइफ, फॉर यू टू फील हैप्पी अबाउट योर प्रोग्रेस। आज से 5 साल बाद यदि हम मिलते हैं, तो आपके पर्सनल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा क्या हुआ रहेगा कि आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा वाह बहुत मजा आ गया। तो 2022 में मई महीने में आप हो, तो वहां क्या क्या हुआ रहेगा मई 2022, 5 साल बाद। तो आप जब 2022 में खड़े हो मई महीने में, 20 मई 2022, और पीछे मुड़ के आप देख रहे हैं, तो आपके पर्सनल लाइफ में कौन से पर्सनल, फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल धंधा, इसमें क्या ऐसा हुआ रहेगा कि आप जब देखेंगे ना पीछे मुड़ के तो लगेगा यार वाह बहुत मजा आ गया, है ना। तो वो हमको देखना, आगे बढ़ते फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट, तो अभी जैसा बताया विमान का टिकट प्रमाण ऐसा है ना, जैसा हवाई जहाज में जो टिकट है वो टिकट के हिसाब से बराबर वो होना कि भाई चालू कब करेंगे, वो हवाई जहाज निकलेगा कब, डेट कब है, टाइम कितने बजे निकलेगा, कितने किलोमीटर है, वहाँ लैंड कब होगा, कौन से गांव में होगा, कितने किलोमीटर है, कितने घंटे का जर्नी है, कितने रुपए लगेंगे, कौन सा क्लास है, बिजनेस क्लास है कि जनरल क्लास है, सीट नंबर कौन सी है, हमको सब पता रहता है हवाई जहाज का। वैसा अपना ध्येय पूरा क्लियरली होना और माइक्रो मैनेजमेंट का ध्येय होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, ये बताया हमने। नेक्स्ट, अभी टू क्रिएट अ बैलेंस्ड एंड सक्सेसफुल लाइफ योर विजन नीड्स टू इंक्लूड द फॉलोइंग 7 एरियाज, 7 एरिया, वो आप लगे तो लिख सकते हैं। अभी एक है, नंबर एक, वर्क एंड करियर, ये पहली एरिया है कि जिसमें आपको 7 एरिया में देखना पड़ेगा। तो आपको ध्येय लिखना है 7 एरिया में, गोल्स लिखना है 7 एरिया में, तो कौन से है, वर्क एंड करियर, इसमें यह पहला। सेकेंड है फाइनेंस, उसमें क्या रहे, 5 साल बाद में क्या हुआ रहेगा फाइनेंस में, है ना। नेक्स्ट, रिक्रिएशन एंड फ्री टाइम, है ना, रिक्रिएशन एंड फ्री टाइम में क्या रहा, क्या होगा, आपको कितना फ्री टाइम मिलेगा, कहाँ का रिक्रिएशन करेंगे, मनोरंजन एंड टाइम, उसके बारे में आपको 5 साल बाद में क्या होगा वो आपको लिखना पड़ेगा, रिक्रिएशन एंड टाइम। नेक्स्ट है हेल्थ एंड फिटनेस, 5 साल बाद में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, फिटनेस कैसा रहेगा। रिलेशनशिप्स, रिश्ते 5 साल बाद कैसे रहेंगे आपके। पर्सनल गोल्स, कंट्रीब्यूशन टू द लार्जर कम्युनिटी, लोगों के लिए आप क्या करने वाले, सोशल कॉज, सोसाइटी के लिए आप क्या करने वाले। तो एक बार पीछे चलते हैं फिर से, पहले वर्क एंड करियर, फिर दूसरा है फाइनेंस, तीसरा रिक्रिएशन एंड फ्री टाइम, चौथा है हेल्थ एंड फिटनेस, पांचवा है रिलेशनशिप्स, छठवां है पर्सनल गोल्स, और सातवां है कंट्रीब्यूशन टू द लार्जर कम्युनिटी, इसका मतलब सोशल वर्क, सोशल कॉज, लोगों के लिए क्या करने वाले। वर्क है और फाइनेंस है, पहला है वर्क एंड करियर, दूसरा है फाइनेंसेस। 5 साल बाद में ऐसा क्या होगा कि पीछे मुड़ के आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये 7 एरिया में कि वाह मजा आ गया। नेक्स्ट, द विजन एक्सरसाइज, अभी क्या है, क्रिएट योर फ्यूचर फ्रॉम योर फ्यूचर नॉट फ्रॉम योर पास्ट। अभी ये जब आप लिखेंगे ना, तो वर्ण नारायण ने ये बोला है
इन्होंने लैंडमार्क निकाला, इज ओरिजिनेटर ऑफ लैंडमार्क. तो वर्ण रामायण में ये बोला हुआ है कि क्रिएट योर फ्यूचर फ्रॉम फ्यूचर. इसका मतलब है जब आप सात एरिया में लिखेंगे ना तो पास मत आने दो कि मैंने पास में इतना कमाया तो भी कितना कमा सकता पांच साल में, फिर अभी पीछे ये किया हुआ है तभी आगे क्या है. डिक्लेयर करो कि ऐसा करूंगा और करूंगा बोले तो करूंगा, खलास, है ना. फ्यूचर से देखना है, पास नहीं लाना बीच में. नेक्स्ट, फर्स्ट फोकस ऑन द फाइनेंशियल एरिया ऑफ योर लाइफ. फाइनेंस एरिया में देखो, है ना, व्हाट इज योर एनुअल इनकम, व्हाट डज योर कैश फ्लो लुक लाइक, हाउ मच मनी डू यू हैव इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, व्हाट इज योर टोटल नेटवर्थ. आपके फाइनेंस एरिया में क्या है, कितना पैसा है, कितना कमा रहे हो, है ना, कितना कमाने वाले है पांच साल में. तो फाइनेंस एरिया में अपना गोल तैयार करो पांच साल का. देखा फाइनेंस, पांच साल बाद कमाई कितनी होगी, सेविंग कितना करेंगे, कितना एनुअल इनकम कितना रहेगा, तो ये करना है. अभी हम एक्सरसाइज करेंगे खाना खाने के बाद में, ये पूरा लिखना पड़ेगा, है ना. नेक्स्ट नेक्स्ट, विजुअलाइज योर आइडियल जॉब और करियर. आपका करियर जॉब क्या है उसके बारे में विजुअलाइज करो. उसमें क्या है, वेर आर यू वर्किंग, व्हाट आर यू डूइंग, विथ हूम आर यू वर्किंग. ये लगे तो मैं और फिर स्लाइड घुमाऊंगा, ये है ना, जब आप लिखेंगे ना तब. व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट्स और कस्टमर्स डू यू हैव, व्हाट इज योर कॉम्पेंसेशन लाइक, इट इज योर ओन बिजनेस. आपका खुद का रहेगा कि आप किसके यहाँ काम करेंगे, पार्टनरशिप में बिजनेस रहेगा क्या, कितने लोग काम करने वाले हैं, सब बिजनेस के बारे में पांच साल बाद में क्या होगा आपको लिखना है ना. थर्ड, देन फोकस ऑन योर फ्री टाइम. खाली टाइम आपको कितना मिलेगा, रिक्रिएशन मनोरंजन का क्या टाइम है, व्हाट आर यू डूइंग विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, बच्चों के साथ में, दोस्तों के साथ में आप कितना टाइम गवाओगे, है ना. इन द फ्री टाइम यू आर क्रिएटेड फॉर योर सेल्फ, व्हाट हॉबीज आर यू परस्यूइंग, व्हाट काइंड्स ऑफ वेकेशंस डू यू टेक, व्हाट इज योर फन टाइम, है ना, मजा कितना है, वेकेशन कितना लेंगे, कहाँ घूमेंगे, कौन सा एरिया, है ना, कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, ये सब प्लान करो. नेक्स्ट नेक्स्ट, व्हाट इज आइडियल विजन ऑफ योर बॉडी एंड योर फिजिकल हेल्थ. आपके बॉडी के बारे में क्या विजन है, फिजिकल फिटनेस के बारे में क्या विजन है, कैसे रहेंगे आप, कितना वजन रहेगा, है ना, आपको कोई बीमारी होंगी पांच साल में, डिक्लेयर करो कि होंगी नहीं, डिक्लेरेशन की कोई बीमारी नहीं होगी, मैं ऐसी फिटनेस रखूंगा कोई बीमारी होगी नहीं, है ना. हाउ लॉन्ग डू यू लिव, हाउ लॉन्ग डू यू लिव टू, कितने साल आप जियोगे, डिक्लेयर करो कि आप कितने साल जीने वाले हो. बोले आप मेरे हाथ में है, बोले हाँ आपके हाथ में, कितने साल जीने वाले हो, है ना. आर यू ओपन रिलैक्स इन एन एक्सटेटिक स्टेट ऑफ ब्लिस ऑल डे लॉन्ग, आर यू फिल ऑफ वाइटेलिटी, आप एनर्जेटिक रहते क्या, खुश रहते क्या, मजे में रहते क्या दिन भर, कि बस लटका हुआ चेहरा है, डाउन है, निराश है, हताश है, ऐसा टाइम बिता रहे आप. आर यू फ्लेक्सिबल एज वेल एज स्ट्रांग, डू एक्सरसाइज, आप कसरत करते हो, एक्सरसाइज करते हो क्या, फूड आप लेते हो क्या अच्छे, बहुत सारा पानी पीते हो क्या, पानी कितना पीना चाहिए रोज, कम से कम चार लीटर, अभी धुपकारा चालू तो मिनिमम फोर लीटर्स आप पानी पीते हो क्या रोज, इतना है ना, पानी नहीं पीने से काफी सारी बीमारियां होती, तो वो देखो फिटनेस कैसा है. नेक्स्ट, देन मूव ऑन टू योर आइडियल विजन ऑफ योर रिलेशनशिप्स विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिश्ते कैसे रहेंगे लोगों के साथ में, है ना, कौन से दोस्त है आपके, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप विथ योर फ्रेंड्स, व्हाट डू दोज फ्रेंड्स फील लाइक, आर दे लविंग, सपोर्टिव, एम्पावरिंग, व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग्स डू यू डू टुगेदर, दोस्त कैसे रहेंगे, फैमिली कैसे रहेंगी, रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, वो लिखो. एक्सरसाइज करना है अभी, ख्याल रखो मैं पूरा फिर से स्लाइड लाऊंगा वापस, है ना. नेक्स्ट, व्हाट अबाउट द पर्सनल एरिया ऑफ लाइफ, डू यू सी योरसेल्फ गोइंग बैक टू स्कूल, गेटिंग ट्रेनिंग, अटेंडिंग वर्कशॉप्स. पर्सनल जो एरिया है उसमें आप अपने आप को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर रहे, पढ़ाई लिखाई कर रहे, कोई रीडिंग कर रहे, कोई कॉन्फ्रेंस में जा रहे, कोई वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे, जैसे भी आज चालू है, कुल्हाड़ी को धार लगा रहे,
है ना, पर्सनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर रहे, गेटिंग ट्रेनिंग, अटेंडिंग वर्कशॉप्स, सीकिंग थेरेपी फॉर ए पास्ट हर्ट। बहुत सारा किसी ने आपको दुख दिया है और आपको बहुत ही हर्ट हुआ है ना, उसके लिए कोई आपने थेरेपी लिया, कोई ट्रीटमेंट लिया, कोई कुछ किया उसके लिए, वो दिमाग में बार 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 आते रहता है, पुराना कुछ तभी वो दिमाग में कीड़ाकांडी करते रहता है, उसके बारे में आपने कुछ किया। डू यू मेडिटेट, मेडिटेशन आप करते हो, गो ऑन स्पिरिचुअल रिट्रीट्स विद योर चर्च, चर्च में जाते हो, मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो। डू यू वॉन्ट टू लर्न टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट और राइट योर ऑटोबायोग्राफी, कोई आपको म्यूजिक सीखना है, इंस्ट्रूमेंट सीखने का है, ऑटोबायोग्राफी लिखने का है, उसके लिए आपके पास में टाइम है। डू यू वॉन्ट टू रन ए मैराथन, मैराथन में आपको भाग लेने का, हिस्सा लेने का है, कौन है से मैराथन में किसे लेना है, मैराथन में लेने का है। डू यू वॉन्ट टू रन ए मैराथन, टेक एन आर्ट क्लास। डू यू वॉन्ट टू ट्रैवल टू अदर कंट्रीज, आपको अलग अलग देशों में जाने का है, घूमने का है। नेक्स्ट, नाउ फाइनली लास्ट, फोकस ऑन द कम्युनिटी यू लिव इन, द कम्युनिटी यू हैव चोजन, जो समाज में आप रहते हो उसके लिए आप क्या कर रहे हो। वॉट डज इट लुक लाइक वेन इट इज ऑपरेटिंग परफेक्टली, वॉट काइंड ऑफ कम्युनिटी एक्टिविटीज टेक प्लेस देयर, वॉट अबाउट यूर चैरिटेबल वर्क, आप चैरिटी करते हो, देनगी देते हो, कोई ऐसा काम करते हो चैरिटेबल वर्क, कोई ट्रस्ट चलाते हो, कोई लोगों के लिए काम करते हो, वॉट डू यू डू टू हेल्प अदर्स एंड मेक ए डिफरेंस, लोगों के लिए कोई हेल्प करते हो, मेकिंग ए डिफरेंस करते हो लोगों के जीवन में। हाउ ऑफन डू यू पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटीज, हु आर यू हेल्पिंग, ऐसे जो चैरिटेबल वर्क है इसमें आप कितना पार्टिसिपेट करते हो। ऐसा बोला जाता है कि 10% आपके प्रॉफिट का, 10% और आपके टाइम का 10% आप डोनेट करो, कितना काय का प्रॉफिट का और टाइम का, टाइम कितना है आपके पास में 24 घंटे, उसका 10% डोनेट लोगों के लिए दो, 10% चैरिटी के लिए, चाय पानी पीने के लिए नहीं, रिलेशनशिप के साथ में चैरिटी, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को कुछ तो भी उनके जीवन में वो आगे बढ़ेंगे इसके लिए, है ना, चैरिटी वर्क। टाइम का चैरिटी करना और पैसे का चैरिटी करना, तो 24 घंटे का 10% कितना हो गया। अब चलो आपको और मोहलत देता हूँ, 24 घंटे का 7 घंटे निकालो सोने का, आपके पास 17 घंटे है, 17 घंटे का 10% कितना हो गया 1.7 आवर्स, मतलब कितना, 1 घंटा और 49 मिनट, 2.5 घंटे, तो रोज के 2.5 घंटे आप डोनेट करो लोगों के लिए और 10% आपका प्रॉफिट का, देखो कैसी मजा आएगी लाइफ में, खुशी है ना, मजा चाहिए ना, करो। नेक्स्ट, तो अभी हम करने वाले, अभी खाना खाने पहले सब मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं, ये लिख लो, लिख लो आप, ये 30 things यू वॉन्ट टू डू, मरने के पहले आपको 30 ऐसी बातें कौन सी करनी है कि जो आपको करना चाहते हो आप, 30 बातें, वो आपको अभी लिखना है। मरने के पहले ऐसी कौन सी 30 चीजें आपको करना है ऐसा लगता है, 30 things मरने के पहले, 30 things यू वॉन्ट टू हैव, ऐसी कौन सी 30 बातें आपको चाहिए, आपके पास में होना चाहिए चीजें, कौन सी बात, गाड़ी होना चाहिए, मकान होना चाहिए, कपड़े होना चाहिए, 30 चीजें ऐसी कौन सी होना चाहिए मरने के पहले, कौन सी 30 चीजें आपको करना है, करना है एक्चुअली मरने के पहले, है ना, करने की इच्छा है, डूइंग। 30 things यू वॉन्ट टू बी बिफोर यू डाई, आपको ऐसा होना है 30 चीजें, किस तरह का आपको होना चाहते हो, आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हो, अच्छा वक्ता होना चाहते हो, क्या 30 बातें, ऐसा क्या करना, क्या होना चाहते हो आप मरने के पहले, 30 30 30, अभी आपका पूरा लाइफ आ रहा सामने, मरने के पहले पूरा क्या करने का है। 30 things यू वॉन्ट टू डू, क्या करना है, 30 things यू वॉन्ट टू हैव, 30 things यू वॉन्ट टू बी, किस तरह का होना चाहते हो आप, है ना, होना चाहते हो मतलब लविंग एंड केयरिंग, फ्रेंडली, एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक, कॉन्फिडेंट, हेल्पिंग नेचर, मेकिंग ए डिफरेंस, मैं इस तरह का होना चाहता हूँ,
काम एंड क्वाइट पर्सन, बहुत प्यारा इंसान है ना, ऐसा होना चाहता हूं मैं। तो ऐसी 30 बातें मरने के पहले आप किस तरह का ऐसा होना चाहते, लिखा 30 30 30। क्या लिखा बताइए, क्या लिखा पहले बाद में लिखो, मगर ये क्या लिखा, 30 थिंग्स 30 थिंग्स। कसं असायला पाहिजे, काय असायला पाहिजे आणि काय करायला पाहिजे, 30 30 गोष्टी लिहायच्या। नेक्स्ट, मेक ए लिस्ट ऑफ 20 थिंग्स, 20 और चीजें यू लव टू डू, मजा आता है वो काम करने में। ऐसी कौन सी 20 चीजें मरने के पहले आपको करने की इच्छा है कि वो करने में बहुत मजा आएगा, पैसा मिलो या ना मिलो, है ना, कोई पैसा का सवाल नहीं और करने को मजा आता है। ऐसी कौन सी 20 चीजें है, कौन सी चीज, फॉर एग्जाम्पल की 20 ऐसी कौन सी चीजें जो करने में आपको मजा आता है, हाँ कौन सी, सिंगिंग, वेरी गुड, स्विमिंग। तो अभी सिंगिंग आपकी हॉबी है, वो करने मजा आता है, तो आगे क्या वाक्य मालूम, सेंटेंस, एंड देन थिंक ऑफ वेज यू कैन मेक ए लिविंग डूइंग सम ऑफ दो थिंग्स। मतलब क्या इसका, इसका मतलब कोई समझाएगा, कोई समझाएगा मतलब, हेलो, उसमें लाइफ है अपना, और तुम्हें लेने बिजी है, विचारत बिजी नहीं है, हाँ इतना अर्थ का इसका क्या मीनिंग है, गलत होगा तो गलत होगा, अभी आप बोलने क्यों रहे मालूम है, आपको डर लगता है कि अपन गलत हो जाएगी, बोलो ना, बहुत गलत तो गलत। ओके, इसका अर्थ ऐसा है कि ऐसी 20 बातें कौन सी है वो आप लिस्ट करोगे जिसके ऊपर आप प्यार करते हो, वो काम करने में जिसमें आपको पैसा भी मिलेगा नहीं मगर आपको प्यार है वो काम करने में, और फिर जैसा आपने बोला सिंगिंग में प्यार है, अब बाद में ये सोचो कि सिंगिंग में तो बिना पैसे का करने को तैयार है ना, बहुत अच्छा, अभी ये सोचो कि सिंगिंग से पैसा कैसे मिलेगा, और सिंगिंग से जिसके ऊपर आप प्यार करते हो उससे यदि आपको पैसा मिल रहा है फिर तो काम काम ही नहीं। जो काम करने में आपको मजा आ रहा है कि जो बिना पैसे का भी काम करने को आप तैयार है और वो आप करेंगे, आप सोचो कि इससे इससे पैसे कैसे मिलेंगे, आपको समझ में आ रहा कि नहीं, ऊपर से जा रहा सांगा ना, तो तुम्हें मतलब सिंगिंग, अभी ये सोचो कि सिंगिंग में मजा आता है, आप सिंगर है, आप सिंगर है तो अभी ये देखना है कि सिंगिंग से मेरे को कैसा पैसा मिलेगा, हाँ प्रोग्राम करेंगे ना पैसा मिलाएंगे तो मजा भी आएगा और पैसा भी मिल रहा, घर भी चल रहा है, आप क्या आप क्या करते हो, छोड़ दो अभी और सिंगिंग करो, मजा भी आएगा पैसा भी मिलेगा, नहीं क्या, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है जबरदस्ती कर रहा है क्यों तनख्वाह मिल रहा है, मजा नहीं आ रहा है काम करने में, टीचरशिप करने में, मजा सिंगिंग में आ रहा,
काम करे टीचिंग का। तो ऐसी बातें देखो जिसमें आपको मजा आ रहा और उसका व्यवसाय बना डालो, जिसमें मजा, जो आपकी हॉबी है उसका व्यवसाय करने वाले, वही आपका धंधा है। तुमसे कहा हॉबी जब मजा आई नहीं कहा, हाँ कहा है पैशन का, कि जिसमें मजा आएगा हॉबी है, क्योंकि आप बोलो हाँ पेशंटला, हाँ बस, तो तुम्ही बिना पैशाचा पण पेशंटला तपासाल, ठीक आहे ना, ते तुम्हाला आनंद येतो, आपकी हॉबी है, पेशन, हाँ पैशन है, और उसमें से पैसा मिल रहा है, थकने का कारण नहीं, कोई थकने का कारण नहीं ना, थकेंगे क्यों आप, क्योंकि आप पैसे के लिए काम ही नहीं कर रहे। ते फुकट कराल, करा फुकट उद्यापासून करून पा, काही पैसे घेणार नाही होणार, मग पा नंतर फुकट केल्यानंतर की बा आता कसा पैसा मिळेल, कारण घर चालायला पैसा लागतो बा, इथले पैसा होणार, अदरवाईज यदि कोई आपको लाके देता है 50,000 महिना, बोलना पैसे भी लेंगे नहीं, फुकट करेंगे, और घर चलाने को पैसा लगता करके सिंगिंग भी करेंगे पैसा भी लेंगे घर चलाएंगे भाई, तो वैसा धंधा कर सकते क्या, उसको धंधे में कन्वर्ट कर सकते क्या जो आपकी हॉबी है। ठीक है ना, तो अभी इसके ऊपर हम एक्चुअली अभी वर्क चालू करेंगे खाना खाने के बाद, तो अभी तक हमने जो कन्वर्ट किया अपना, अभी तक तो जो हमने पढ़ा उसके लिए, ठीक है, अभी ब्रेक ले।